28 नवंबर को स्टे दे चुके थे और सस्पेंड कर दिया था फेडरेशन। तो ये गुफ्तगू जो थी आपकी मुबैया तौर पर, ये 28 नवंबर से पहले की थी? नहीं सर, हो नहीं सकता कि उसमें कह रहे हैं कि परसों केस लगा हुआ है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये केस जो था ये उस वक्त लगा था परसों, मतलब 14 की बात। 14 की बात है। और 14 को भी आपको एक अजीब बात बताऊं, वन ऑफ द जजेस जो थे जो आज उसमें जज थे जिनका नाम लिया गया था, उसके अंदर उस बेंच का हिस्सा भी नहीं थे सर 14 को। आप देख लीजिए ऑर्डर। तो ये जो मुबैया 14 तारीख को बेंच में नहीं थे, 14 तारीख को नहीं थे, नहीं थे बिल्कुल। तो फिर ये कैसे वापस आए सर? क्या वापस आया? इसका मतलब यही हुआ ना कि 14 से पहले जो गुफ्तगु थी सर, तो मैं पहली बात मैं नकवी को वापस लाने के हवाले से थी या नहीं? क्या सर, था लाने के लिए नहीं थी, मेरा बात ये थी, मेरी गुफ्तगु ही नहीं हुई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि केस पुराना केस चल रहा था, जैसे मुजार अली अकबर नकवी इत्तफाकन वापस आ गए। नहीं, ये बेंच में थे उस दिन, नहीं आए उस दिन जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में नहीं थे। तो देखिए बेंच ये 3 मेंबर बेंच है, कुछ किसी वजह से नासाजी जारी करने में जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी शामिल, सब तीनों जजेस शामिल थे और जूनियर जज है, सीनियर जजेस भी मौजूद है। और जो बात है, आप देखिए कि एक जज के लिए नहीं होता, 3 मेंबर आप जानते हैं, 3 मेंबर बेंच होती है। और दूसरी बात है, मेरी इस तरह की उनसे कोई बात ही नहीं हुई है कि जी ये इस तरह की केस के लगाने की या वो बेंच में मौजूद है। दूसरी बात जो मेन जो बात पहले हुई थी उसमें यह था कि मैं एक केस कर रहा हूँ जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी के चीफ मिनिस्टर जो थे साबिक मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने मुझसे कहा कि उनका क्यों सिंध में लापता हो गए। तो मेरे ऑफिस ने वहाँ केस फाइल किया जिसमें मैंने वकालतनामा ही साइन नहीं किया, लेकिन मेरे ऑफिस में केस फाइल जी नहीं, उस पहला ये है, उसके बाद ये इसकी बात जोड़ जोड़ के डॉक्टर्ड करके जो बनाई गई उसमें उन्होंने कहा, मैंने वो केस फाइल हमारे ऑफिस ने फाइल किया, उसमें नोटिस हो गया, 10 दिन का नोटिस दिया गया उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इनको लाओ इसको बताओ। मैं ये कहता हूँ सिर्फ साजिश थी, कल जो ये ऑर्डर हुआ इलेक्शन के बारे में उसके बाद ये सली ये टेप मंजर आम पे आ गई। अगर ये पुरानी टेप थी तो पहले आ जानी चाहिए थी। तो ये भट्टी साहब का केस तो काफी दिन से, आप ये कह रहे हैं कि आपकी और परवेज अली साहब की गुफ्तगू जरूर हुई है, लेकिन डॉक्टर और इस केस में हुई थी कि हाई कोर्ट में जो केस फाइल हो रहा है सर, हाई कोर्ट के केस में सिलसिले में अगर इनके पास सारी टेप्स की कहते हैं तो वो भी होगी। तो वो उसमें उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इनका केस कर दें, सिंध में मेरा ये आदमी था पर्सनल सेक्रेटरी, मैंने वो फाइल कर दिया। तो आप अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल इसका नोटिस लें और इसके ऊपर एक्शन लें? बिल्कुल, आपकी दरख्वास्त करेंगे। अब वकील के लिए क्या सुओ मोटो, लेकिन ये चीज देखिए मैं कहता हूँ ये हमला है एक इंडिपेंडेंस ऑफ बार की, क्योंकि देखिए मैं आप अच्छी तरह बात है, जब मैंने आपसे बात की थी मैंने कहा था ये बार कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताबे नहीं होगी। और आप देखिए आप गवाही देंगे आप लोग जो यहाँ मौजूद है, मैंने कोई ऐसा, और ये मैं जो केसेस कर रहा हूँ अपने पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हूँ एज लॉयर, नॉट एज प्रेजिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ये हमारे ऊपर हमला है, हमारी बार के ऊपर और जुडिशरी के भी हमला है। इसको सब देखना चाहिए कि सडनली वो अलग इलेक्शन के लिए ऑर्डर होता है और उस वक्त ये सडनली ये शाम के वक्त ये टेप जो आप मुझे इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या दिलचस्पी है किसी सरकारी मुलाज़िम की पोस्टिंग और ट्रांसफर के हवाले से? आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार देता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और उसके लिए अपने अख्तियार इस्तेमाल करें। अब ये प्रोसीजरल मैटर है और अगर आज वो सस्पेंड हो भी गई है उनकी पोस्टिंग, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि इन्हीं पुलिस अफसरों के अंडर इलेक्शन हो? ये बात ही सुप्रीम कोर्ट में वकील जो भी होता है वो चाहता है आईन की और कानून की बालादस्ती हो। आज आप मौजूद थे, आपने उनसे आप जो सवाल और जवाब देख लिए वो एक सवाल का जवाब नहीं, उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन ने वर्बल ऑर्डर पे वो कर दिया, उन्होंने कहा वर्बल ऑर्डर की क्या पोजीशन है, उन्होंने कहा कोई वर्बल ऑर्डर नहीं होता। तो ये देखें आप, तो ये प्रोसीजरल इररेगुलरिटी, नो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इररेगुलरिटी। देखें प्रोसीजर अलग है, ये तो लॉ में है, जो भी है प्रोसीजर वायलेट हो गया। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपने फरमाया कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन का काम है टू होल्ड फ्री फेयर इलेक्शन, यही है। और 220 कहता है आर्टिकल के सारी अथॉरिटीज विल सपोर्ट देम इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंड। बात जो है कि इलेक्शन एक्ट एक बन गया, इलेक्शन के एक्ट के अंदर एक सेक्शन 232E है, एफ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को भी ट्रांसफर करना चाहें आपको गवर्नमेंट को बताना होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट को, कि वो एक्सपीडियंट क्यों है और कमीशन को ऑर्डर करना होगा। और कमीशन डिफाइंड 218 में, उसमें कहते कमीशन मींस स्टैट्यूटरी वायलेशन, नो कमीशन वायलेशन वायलेशन नहीं होती सर, कोर्ट का काम नहीं है वायलेशन करे। अगर वो दोबारा से उन्हें ट्रांसफर कर दे प्रॉपर मर्जी प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट का ये व्यू था, इसमें एक स्टे ऑर्डर चल रहा था सर पहले 28 नवंबर से, कि अगर आपको कोर्ट ने पिछली तारीख पे आप मौजूद नहीं थे, अपने साथियों से पूछे, कोर्ट ने उनसे ये पूछा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे कल खुद,
उनसे पूछा कि आपको इस ऑर्डर का मजाक था कि 28 को हमने कर दिया। ये अदालतें स्टे ऑर्डर देके बैठ क्यों जाती हैं? सरकारी मुलाजिम का स्टे है, फैसला करें। अब ये तो मतलब नहीं है 6-6 महीने वो स्टे पे उसी ओहदे पे बैठे रहेंगे। सॉरी, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट ने खुद टाइम कुछ दाखिल ही नहीं किया। खुद 14 तारीख को आप आके ऑर्डर शीट देख लीजिए, उसके अंदर इन्होंने खुद टाइम लिया। इतने अरसे तक टाइम इन्होंने खुद इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं फाइल किए। जब उन्होंने फाइल करे, केस चला कल 16 को, उसमें वो इलेक्शन कमिश्नर साहब वगैरह को बुला लिया गया, चीफ इलेक्शन का, और वहाँ उस तरफ चला गया। क्या अब इलेक्शन कमीशन पूरे प्रोसीजर और लॉ के तहत दोबारा ट्रांसफर कर सकता है पुलिस अफसर को? वो नहीं कर सकता, उसकी रिक्वेस्ट कर सकती है। यहाँ इन्होंने क्या है, एक बात जो डिसाइड और कोर्ट को करनी है, इन्होंने एक जनरल ऑर्डर निकाला जिसपे आपने देखा कोर्ट ने कहा, उन्होंने 26 तारीख को एक ऑर्डर निकाला कि एसी तक के लेवल के ऑफिसर्स को आप तबादले कर दें। या कोर्ट ने ये भी देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है या नहीं, या हर अंडर द इलेक्शन एक्ट उनको हर केस में, ये तो आज डिसाइड कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? इसको लेके क्यों बैठे हैं? क्यों पुलिस अफसर को उनके ओहदों पे बरकरार रखना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, आप ऐसे सवाल करें जिसका मेरे पास जवाब नहीं, आप उनसे पूछने जाके। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन के बाद एक अफसर का केस है, पूरा इलेक्शन नहीं होता इसके अंडर, एक ऑफिसर और भी ऑफिसर है कोर्ट की, शायद उनके इसमें जिसका मुझे इल्म नहीं है, ये देख रही है कि तबादले ट्रांसफर केयर टेकर की क्या पावर्स है अंडर सेक्शन 230। अब उसको इंटरप्रेट करेगी सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह। कि ये कब तक करेगी सर? ये अब उनसे पूछे ना, इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए। वो तो कह रहे हैं आज, क्या कहा आपने, कहा टिकटॉक, वो तो अभी तो मालूम ही नहीं इलेक्शन कब हो रहे हैं। कल भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इररेलेवेंट मैटर था जो कि एक ट्रांसफर का पुलिस अफसर, आपके लिए रेलेवेंट होगा, मेरे लिए नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी अहदेदार को तलब कर लिया, क्या उन्हें बुलाना चाहिए इस इलेक्शन कमिश्नर को अदालतों में? ये आप ये कोर्ट से पूछिए, उनकी जवाबदेही है, मेरे और आपकी नहीं है। आईनी कानूनी तौर पे कर सकते हैं ऐसे? कोर्ट है, कोर्ट किसी को बुला सकते हैं। आज तक तो नैब के चेयरमैन को बुला नहीं सके, और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो है साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और जब भी ये जजेस इलेक्शन कमीशन की सरब्राई करते रहे, एक को भी नहीं बुलाया, और एक ब्यूरोक्रेट आ गया उसको सर, आप बुला लेंगे, वो आई नहीं होता। आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं और सवाल करते हैं आप जिनसे, आपको एक चीज़ और बताओ, आप ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जिसकी तरफ ये डायरेक्टेड है, आप मुझसे नहीं पूछ सकते। आप छोड़ दें कानूनदान, क्या बुला सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी उनकी मर्जी, आप उनसे पूछें। पंजाब में पुलिस के तबादलों वाला मैटर जो है वो कितने अरसे से चल रहा है? मुझे मेरे इल्म नहीं है, आज आपके सामने ही मुझे पता लगा कि 5-member बेंच बनी हुई है, मुझे मेरे इस बात का कोई इल्म नहीं था। आखिर में ये बता दें कि ये जो ऑडियो टेप आई है इसके ऊपर आप क्या कानूनी एक्शन लेंगे? मैं अभी कंसीडर करके लीगल नोटिस दूंगा, और मैं अपने पास रिजर्व रखता हूँ राइट इसके लिए, कहा था कि जब तक मैं केस करूं कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए, वो उनकी मर्जी है सर जी, और उनकी मर्जी है। थैंक यू। अगर आप किसी को भी ट्रांसफर करना चाहें, आपको गवर्नमेंट को बताना होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट को, कि वो एक्सपीडियंट क्यों है, और कमीशन को ऑर्डर करना होगा, और कमीशन डिफाइंड 218 में उसमें कहता कमीशन मींस स्टैट्यूटरी वायलेशन। नो, कमीशन वायलेशन नहीं होती सर, कोर्ट का काम नहीं है वायलेशन करे। अगर वो दोबारा से उन्हें ट्रांसफर कर दे, उनकी मर्जी, वो प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन कोर्ट का ये व्यू था, इसमें एक स्टे ऑर्डर चल रहा था सर पहले 28 नवंबर से, कि अगर आपको कोर्ट ने पिछली तारीख पे आप मौजूद नहीं थे, अपने साथियों से पूछे, कोर्ट ने उनसे ये पूछा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे कल खुद, उनसे पूछा कि आपको इस ऑर्डर का मजाक था कि 28 को हमने कर दिया। ये अदालतें स्टे ऑर्डर देके बैठ क्यों जाती हैं? सरकारी मुलाजिम का स्टे है, फैसला करें। अब ये तो मतलब नहीं है 6-6 महीने वो स्टे पे उसी ओहदे पे बैठे रहेंगे। सॉरी, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट ने खुद टाइम कुछ दाखिल ही नहीं किया। खुद 14 तारीख को आप आके ऑर्डर शीट देख लीजिए, उसके अंदर इन्होंने खुद टाइम लिया। इतने अरसे तक टाइम इन्होंने खुद इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं फाइल किए। जब उन्होंने फाइल करे, केस चला कल 16 को, उसमें वो इलेक्शन कमिश्नर साहब वगैरह को बुला लिया गया, चीफ इलेक्शन का, और वहाँ उस तरफ चला गया। क्या अब इलेक्शन कमीशन पूरे प्रोसीजर और लॉ के तहत दोबारा ट्रांसफर कर सकता है पुलिस अफसर को? वो नहीं कर सकता, उसकी रिक्वेस्ट वो हुकूमत कर सकती है। यहाँ इन्होंने क्या है, एक बात जो डिसाइड और कोर्ट को करनी है, इन्होंने एक जनरल ऑर्डर निकाला जिसमें आपने देखा कोर्ट ने कहा, उन्होंने 26 तारीख को एक ऑर्डर निकाला कि एसी तक के लेवल के ऑफिसर्स को आप तबादले कर दें। या कोर्ट ने ये भी देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है या नहीं, या हर अंडर द इलेक्शन एक्ट उनको हर केस में, ये तो आज डिसाइड कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? इसको लेके क्यों बैठे हैं? क्यों पुलिस अफसरों को उनके ओहदों पे बरकरार रखना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, आप ऐसे सवाल करें जिसका मेरे पास जवाब नहीं, आप उनसे पूछने जाके। आपके ख्याल में मेरा ख्याल नहीं, आज डिसाइड नहीं हो सकता था। ये डिसाइड उन्होंने एक उसको सस्पेंड किया कि लार्जर बेंच में इतवालों का केस पेंडिंग है, हाउ कैन अ 3-member बेंच लार्जर बेंच का क्या पस मंजर है? मुझे कब से चल रहा है वो लार्जर बेंच? मुझे नहीं मालूम, आप मालूम करके बताएं। वो पुलिस अफसर जो अपने ओहदों पे बरकरार, मुझे नहीं मालूम किसका केस है, इलेक्शन के अंडर होंगे, ये बात नहीं है।
इलेक्शन कमीशन के बाद, यानी एक अफसर का केस है, पूरा इलेक्शन नहीं होता इसके अंडर, एक ऑफिसर और भी ऑफिसर्स हैं कोर्ट की, शायद उनके केस में जिसका मुझे इल्म नहीं है, ये देख रही है कि तबादले तराज ट्रांसफर केयर टेकर की क्या पावर्स है अंडर सेक्शन 230। अब उसको इंटरप्रेट करेगी सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह के चीफ। कब तक करेगी सर ये आप उनसे पूछे ना, इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए। तो कह रहे हैं आज क्या कहा आपने, कहा टिकटॉक टिकटॉक, वो तो अभी तो मालूम ही नहीं इलेक्शन कब हो रहे हैं। कल भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इररिलेवेंट मैटर था जो कि एक ट्रांसफर का पुलिस अफसर, आपके लिए इररिलेवेंट होगा मेरे लिए नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी उद्देदार को तलब कर लिया, क्या उन्हें बुलाने चाहिए इस इलेक्शन कमिश्नर को अदालतों में? ये आपकी उनकी मर्जी, आप उनसे पूछें। पंजाब में पुलिस के तबादलों वाला मैटर जो है वो कितने अरसे से चल रहा है? मुझे मेरे इल्म नहीं है, आज आपके सामने ही मुझे पता लगा कि 5 मेंबर बेंच बनी हुई है, मुझे मेरे इस बात का कोई इल्म नहीं। आखिर में ये बता दें कि ये जो ऑडियो टेप आई है इसके ऊपर आप क्या कानूनी एक्शन लेंगे? मैं अभी कंसीडर करके लीगल नोटिस दूंगा और मैं अपने पास रिजर्व रखता हूँ राइट इसके लिए, कहा था कि इज्जत का केस करूं। कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए, वो उनकी मर्जी है सर जी, और उनकी मर्जी है। थैंक यू।